हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे खिलाड़ियों के बारे में जिनके ऊपर आईपीएल टीमों के ऑनर को बहुत भरोसा था, जिसके कारण उन्हें रिटेन किया यही सोचकर कि ये हमारे टीम के मैच विनर हैं। पर उन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस मैच विनर जैसा तो था, पर अपनी टीम के लिए नहीं, ऑपोजिशन टीम के लिए। उन खिलाड़ियों ने ऑनर के उम्मीदों पर पानी फेरा नहीं, उनके उम्मीदों को पानी में बहा दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उन खिलाड़ियों की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं 5 times चैंपियन मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव को छोड़कर किसी ने ढंग का परफॉर्मेंस नहीं दिया। कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के सबसे बड़े प्लेयर हैं। पूरे सीजन का उनका परफॉर्मेंस देख मुंह से एक ही बात निकलेगा, छोटी बच्ची हो क्या यार। छोटे छोटे बच्चों ने जिनका इस बार आईपीएल डेब्यू हुआ, उन्होंने तो पोलार्ड से 100 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस दे दिया। पोलार्ड ने इस सीजन 11 मैचों में 14.40 के एवरेज और 107.46 के स्ट्राइक रेट के साथ मात्र 144 रन बनाए। उसके बाद मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा के लिए भी ये सीजन बहुत खराब रहा। उन्होंने 14 मैचों में 19.14 के एवरेज और 120.18 के स्ट्राइक रेट के साथ मात्र 268 रन बनाए। उसके बाद बुमराह ने बॉलिंग भले ही अच्छी की हो, पर बहुत मैचों में खाली हाथ जाना पड़ा, यानी विकेट मिले ही नहीं। हाँ, लास्ट के कुछ मैचों में विकेट्स जरूर मिले, पर शुरुआती मैचों में विकेट्स नहीं मिले थे। उसके बाद आरसीबी ने विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और मोहम्मद सिराज को रिटेन किया था। मैक्सवेल ने भले ही थोड़ा बहुत परफॉर्म किया हो, पर पिछले सीजन जैसा नहीं रहा। उसके बाद विराट कोहली और सिराज के फॉर्म को क्या ही कहे। विराट ने जितने रन्स नहीं बनाए, उससे कहीं ज़्यादा तो सिराज ने रन लुटवा दिए। विराट कोहली का ये सीजन सबसे घटिया सीजन रहा। उसके बाद पंजाब किंग्स के लिए मयंक अग्रवाल जो काम केएल राहुल के साथ किया करते थे, वैसा इस बार नहीं कर पाए। उनके बल्ले से रन्स ही नहीं बने, पूरे सीजन उनका बल्ला खामोश रहा। उसके बाद हैदराबाद के ओनर ने छोटी बच्ची जैसा डिसीजन लिया, डेविड वारन को जाने दिया और कैन विलियमसन, जिनका पिछला को सीजन खास नहीं रहा है, उन्हें कैप्टन बनाया। और विलियमसन ने भी प्रूफ कर दिया कि मैं चैंपियन प्लेयर हूँ, T20 का नहीं, टेस्ट का। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, पृथ्वी शॉ और एनरिक नोकिया को रिटर्न किया था। एनरिक नोकिया का 2021 का सीजन अच्छा रहा था, इसलिए उन्हें रिटर्न किया और कगिसो रबाडा को जाने दिया, पर इस सीजन रबाडा नोकिया से बेहतर परफॉर्म करके दिया। उसके बाद CSK को रविंद्र जडेजा से बहुत उम्मीदें थी, इसलिए उन्हें कैप्टन भी बनाया, पर जडेजा ने एज ए कैप्टन, एज ए बैटर, एज ए बॉलर, एज ए फील्डर सब में निराश किया। अब पता नहीं नेक्स्ट सीजन के लिए उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा कि नहीं। उसके बाद मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी ये सीजन उतना अच्छा नहीं रहा जैसा पिछला सीजन रहा था। हाँ, पता है मोइन अली ने आखिरी मैच में ताबड़तोड़ पारी खेला था, पर उसका क्या फ़ायदा। उसके बाद बचा राजस्थान रॉयल्स, उनका रिटेंशन अच्छा था, 3 players रिटर्न किया और तीनों ने परफॉर्म करके दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है, जो कहना है कमेंट में कह डालिए।